बच्चों के मन में एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा चल रहा है जब से रिजल्ट आया कि भाई ग्रुपिंग के लिए कितना मार्क्स चाहिए, कितना मार्क्स चाहिए। कभी लग रहा है 50% चाहिए, कभी चाहिए 45%। तो गाइस इस वीडियो में सभी चीजों को मैं क्लियर कर दूंगा और फाइनली जो चीजें मैं बोल रहा हूँ वही चीजें होने वाली है और उसी तरह आप जाओ। बस आपको क्या करना है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, क्योंकि आपके मन का टेंशन हम हटा दे रहे हैं। वीडियो को शेयर करो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अपना प्यार एंड सपोर्ट दिखाने के लिए चैनल को क्या करो गाइस, सब्सक्राइब करो। सो गाइस चलो मैं बताता हूँ। सबसे पहले पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ। गाइस अगर इसके अंदर पूरी तरह से, आपको ये सुन के भी अच्छा लगेगा गाइस, ओनली 45% चाहिए, कितना चाहिए ग्रुपिंग के लिए 45%, और 45% भी गाइस फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ तीनों को मिला के होना चाहिए। ऐसा नहीं, अगर आपको फिजिक्स में कम मार्क्स आ रहा है, केमिस्ट्री में ज्यादा हो गया और मैथ में ज्यादा हो गया, तो भी पूरे टोटल मिला के आपका कितना होना चाहिए 45%। और गाइस अगर केमिस्ट्री मिला के आपका मार्क्स नहीं हो पा रहा है तो केमिस्ट्री की जगह कंप्यूटर साइंस भी चलेगा, आईटी भी चलेगा, ओके। तो ये सभी सब्जेक्ट भी आप उसके साथ ऐड करके अपना ग्रुपिंग कंप्लीट कर सकते हो। तो गाइस सभी चीजें ये सुन सुन के बहुत अच्छा लग रहा होगा। और इसके साथ ही गाइस मैं आपको यही बताना चाहूंगा, जो रिजर्व है उन बच्चों के लिए 40% है। 40% मतलब 300 में से 120 मार्क्स चाहिए, एंड 45% मतलब 300 में से 135 मार्क्स चाहिए आपको ग्रुपिंग क्लियर करने के लिए। और मैंने बताया कि अगर आपका ग्रुपिंग फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ में, तो पीसीएम वालों के लिए फिजिक्स और मैथ में तो कंपलसरी मार्क्स चाहिए जिनको इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है। बट केमिस्ट्री अगर नहीं हो पा रहा तो केमिस्ट्री को रिप्लेस कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस में भी आपको स्कोर मिला रहेगा तो भी वो ऐड हो जाएगा ग्रुपिंग के लिए, आईटी में मिला रहेगा तो भी ऐड हो जाएगा। अब मैं बात करता हूं पीसीबी का, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो। गाइज इसके अंदर अगर आपको फार्मेसी में एडमिशन लेना है, तो आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री तो रहना चाहिए, फिक्स है। और इसमें भी गाइज 45% फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो मिला के 45% कंपलसरी चाहिए। इनकेस बायो मिला के आपका मार्क्स नहीं हो पा रहा है तो अगर मैथ का भी मिला के, अगर आप बहुत सारे बच्चे मैथ भी दिए रहते हैं तो मैथ मिला के भी होगा तो भी आप फार्मेसी में एडमिशन ले सकते हो गाइस। सो गाइस ये आपके दिमाग में जो टेंशन चल रहा था वो मैंने पूरी तरह से निकाल दिया। 45% ओके, ओनली 45% एंड रिजर्व सीट के लिए 40% मतलब 120 मार्क्स, एंड जो अनरिजर्व बच्चे हैं उनके लिए 135 मार्क्स, मतलब ओपन वालों के लिए 135 मार्क्स एंड रिजर्व लोगों के लिए 120 मार्क्स। सो गाइस और अगर मन में कोई डाउट चल रहा हो, पूरा क्लियर कट मैंने खत्म कर दिया पूरा, तो वीडियो को लाइक और प्यारा से कॉमेंट करो। और पाठक कैसे हो, चलो बाय गाइस, थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों।